कानून को हाथ में लेने का अधिकार अगर किसी को नहीं है तो कानून को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो पुलिस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडे और मवाली की भूमिका में आएंगे। इस सरकार ने सही में पुलिस या कानून ला करके पुलिस को ही गुंडा बना दिया गया है। बिहार सरकार ने अपनी मतलब बातों को रखने का अधिकार भी छीन लिया इन्होंने। कल जिस तरीके से बच्चे अपनी बात को रख रहे थे और जिस तरह से उन्हें क्रिमिनल साबित करते हुए उनको जेल के अंदर डाला गया है, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन बच्चों को रिहा करें। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस सरकार का गला भी सूखता है, ये माफी भी मांगेंगे, डर इनको भी लगता है। आज लोग जितने क्रिमिनल से असुरक्षित हैं उतने पुलिस से असुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि बिकना पहाड़ी में रितु जायसवाल आई हैं एनटीपीसी के साथ जो लगातार ये कर रहे हैं। यानी कल जो हुआ है, जिस तरह पुलिस के द्वारा गंदी गंदी भद्दी गालियां दी जा रही है, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जगह पे वो पत्थर चार्ज कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कानून को हाथ में लेने का अधिकार अगर किसी को नहीं है तो कानून को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो पुलिस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुंडे और मवाली की भूमिका में आएंगे। इस सरकार ने सही में पुलिस या कानून ला करके पुलिस को ही गुंडा बना दिया गया है। आज लोग जितने क्रिमिनल से असुरक्षित हैं उतने पुलिस से असुरक्षित हैं। आज आपको देखेंगे, आप सड़कों पे आप जाएंगे, क्रिमिनल बेखौफ हैं। वो आकर के 11 करोड़ 12 करोड़ की ज्वेलरी सबको लूट रहे हैं, कोई डर नहीं है। डर कौन रहा है? आपने मास्क नहीं लगाया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप रोड के बाएं चल रहे हो कि दाएं चल रहे हो, आपकी शटर टाइम से बंद हुई है नहीं बिजनेसमैन की, तो इस तरीके से तो ये सारी चीजें यहाँ पे चले। आप अगर अब मैं बच्चों पे आती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि सुरक्षित कोई भी नहीं है। अब इन बच्चों के पॉइंट पे आते हैं, जो रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा की बात जो कल बात हो रही थी, वो एनटीपीसी की एग्जाम्स में जो धांधली हुई है उसकी बात हम कहना चाह रहे हैं कि लगातार ये आज का कोई नया चौंकने वाला रवैया नहीं है कि आज कोई पहली बार गलती हुई है। एसटीईटी के अभ्यर्थियों की आप बात कर लीजिए, दरोगा बहाली की बात करिए, कार्यपालक सहायक की बात कर लीजिए, आज कल जो एग्जाम एनटीपीसी के बच्चों ने जिस तरह से किया है उनकी बात कर लीजिए, वो अपने वाजिब मांग को रख रहे हैं, वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बिहार सरकार ने अपनी मतलब बातों को रखने का अधिकार भी छीन लिया इन्होंने। कल जिस तरीके से बच्चे अपनी बात को रख रहे थे और जिस तरह से उन्हें क्रिमिनल साबित करते हुए उनको जेल के अंदर डाला गया है, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन बच्चों को रिहा करें, सबसे पहले उन्हें जेल से बाहर करें। जनहित याचिका दायर होगा इस पे। अब जो है ना, ये बच्चे रुकने वाले हैं नहीं, लगातार हम लोग साथ हैं उनके, हिम्मत अब उनके साथ है, हिम्मत देने आई बिल्कुल साथ में हैं। और ये कहना चाहते हैं ना कि अगर ये समझते हैं कि ये सरकार दमनकारी है और इनको डर नहीं लगता, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस सरकार का गला भी सूखता है, ये माफी भी मांगेंगे, डर इनको भी लगता है। बशर्ते कि अब ये जितने के साथ अत्याचार हुआ है वो सब एक होकर के पटना की सड़कों पे उतर आए तो कितनों को मारेंगे आप? कितनों ये फिर से राजद की तरफ से हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग लगातार आवाज उठा करके उनका ध्यान, एक विपक्ष क्या करता है, आपकी गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता है। मैं वहाँ पे आई हूँ, मैं बात कर रही हूँ और हम लोग इनके साथ हैं, हमारी पार्टी इनके साथ। फिर से होगा क्या, आप भी उतरेंगे उनके साथ जाम करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए? जो अभी होगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबू, ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं होता कि एक माँ अपने अपाहिज बच्चे को कंधे पर डाल करके पटना पहुँचती है कि इसकी नौकरी लगी हुई नौकरी दे दीजिए नीतीश बाबू, ठीक है। एक बच्चा अपनी बहन की शादी करना चाहता है, उसकी नौकरी लगी हुई नौकरी उसको पता चलता है कि उसको नहीं मिली है तो वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, इसका जिम्मेवार कौन है? एक माँ बाप अपना जमीन अपना जेवर गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो परिवार में बेटी की शादी हो जाएगी या घर का खर्चा चलेगा, बदले में उसको क्या मिलता है? जेल, पत्थर, मारना पीटना, ये चलता है। छुड़वा के रहेंगे जो अरेस्ट हुए हैं? मैं मांगूंगी, मैं जो होगा करूंगी, अगर अब मुझसे नहीं देखा जा रहा, अब नहीं सहा जा रहा है। और जो इनके अंदर भी है, मैं यही कहूंगी कि अगर सही में आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, अगर आप आते हम पूरी मजबूती से आप लोगों के साथ। देखिए, रितु जायसवाल हमारे साथ थी, वो एनटीपीसी और आरबी एनटीपीसी के छात्र आपको दिख रहे होंगे हर जगह। रितु जायसवाल यहाँ पहुंची इनका हिम्मत बढ़ाने के लिए और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब उनसे सहा नहीं जा रहा है, वो उनके साथ हैं, कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।